इसका जो पैडल असिस्ट वाला फीचर है ये भी फिलहाल मैंने जीरो पे कर दिया है, बिकॉज इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। एक तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है ना बड़े खतरनाक वाले, और एक्चुअली मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 5-6 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम, बार मतलब उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, सो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही है। बाकी पैडल असिस्ट का जो फीचर है वो 1 सेकंड के डिले पे स्टार्ट होता है, मतलब जब आप पैडलिंग शुरू करनी शुरू करोगे तो उसके 1 सेकंड बाद या फिर 1.5 सेकंड बाद जो है ये स्टार्ट होती है चीज़। बाकी इसके अंदर ये थोड़ा एक बैटरी वाली स्कूटी का जो अपना फीचर होता है वो मिल जाएगा, यहाँ से आप ऐसे इसको रेस दे के भी चला सकते हो, तो अभी रेस दे के मैं चला रहा हूँ, देखो मस्त चल रही है। बाकी जो ये पैडल असिस्ट वाला फीचर है ये थोड़ा सा मेरे को डेंजरस इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर मेरे को आदत नहीं है कि मैं इस तरीके से इसको ड्राइव करूं कि पैडलिंग करते करते भी इसको साथ साथ ड्राइव करा जा सके। तो बाकी इसको जैसे ही मैं 1 या 2 पे कर रहा हूं तो इसकी जो है ना पैडल की पावर इंक्रीज हो जाती है, आपको अपने पैरों में कम जान लगानी पड़ती है और एकदम से पावर ऐसे इंक्रीज होती है कि ये जो है एकदम से ऐसे भगना शुरू हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये भी जीरो पे है और इसको मैं अभी करूँगा अपना 2 पे, तो इसको मैंने 2 पे कर दिया। पहले ये वाला जो 2 है इसका स्पीड ब्रेकर पार होने देता हूँ, नहीं तो फिर मेरे को एकदम से ना डर लगने लगता है इस पे साइकिल पे, क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको चलाते चलाते, और साथ में अभी ये वाला अपना एरिया पार हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ। पैडल असिस्ट आपने अभी देखा था कि मैं कितनी मुश्किलों से पैडलिंग कर रहा था, बट एकदम से अब जो है देखो उड़नी शुरू हो जाएगी, ये देख रहे हो। सो भाई ये उड़ रही है लिटरली, अभी स्पीड 16 की है। तो इस तरीके से फीचर रहता है अपना, ये टॉप स्पीड इसकी जो रहेगी वो रहेगी 25 किलोमीटर पर आवर की आपकी मोटर पे, बाकी आप पैडल से तो जितनी तेज चाहो उतनी तेज चला सकते हो। पैडल से 25 की स्पीड इसलिए रखी गई है क्योंकि इसके ऊपर फिर आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी ड्राइव करने के लिए, तो इसीलिए इन्होंने इसकी जो स्पीड रखी है वो 25 लिमिटेड रख रखी है। बाकी अगर आप चाहो तो इसको पैडल से चला सकते हो जितनी भी तेज़ आप चला सकते हो, क्योंकि स्कूल टाइम पे मैं भी काफ़ी तेज़ चला लिया करता था, तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया चलाते चलाते। गियर का ऑप्शन मिल जाएगा अप डाउन करने का, इसके अंदर 2 डिस्क ब्रेक मिलेंगे फ्रंट एंड बैक, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको भी देता हूँ। बैक साइड पे आपको 250 वॉट की मोटर मिलती है जिसकी पावर आपने भी देखी सागर भाई चला कर लेते हैं। सागर भाई क्या रीज़न था इसको स्टॉप ही ना लगने का? कि वो ब्रेक है ना वो रब हो रही। ठीक है, तो जो अपनी नई साइकिल जितनी भी होती है इसके अंदर क्या होता है, ये बाइक वाले डिस्क ब्रेक्स नहीं होते। अगर आपको लगे कि आप ये स्टंट के लिए ले रहे हैं या आपकी फिटनेस के लिए, अगर आप फिटनेस के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जो आपको मैंने 70 kg बताया है हमारा जो पैडल असिस्ट के साथ आ रहा है वो 70 kg है। अगर आपकी मैक्सिमम वेट आपका 90 kg है, अगर आप 90 kg से ऊपर के राइडर हैं, 100 kg 110 है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो हल्की सी डिक्रीज़ हो जाएगी। आपको एक बार मैं साइकिल दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको 19 फेब से लेकर 19 मार्च के बीच में बुक करते हैं तो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा आपको डिस्काउंट, जो कि आपका 5% है। आप बुकिंग कर सकते हैं 15% दे के, और साथ में 2000 के कूपन मिलेंगे जिसको आप गिफ्ट ऑन एयर करके वेबसाइट पे चेक करके आप कुछ भी बाय कर सकते हैं वहाँ से। उसके साथ में अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो बुक करने के लिए आपको जाना है gozeromake.fit वेबसाइट के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको बुक कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको साइकिल दोनों के ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है उसके अंदर हमारा एक रहेगा स्केलिक प्रो 1 और एक रहेगा स्केलिक। स्केलिक प्रो तो मैंने आपको दिखाई जो हमारी ग्रे वाली रहने वाली है, और स्केलिक प्रो 1 जो है वो हमारी ये वाली रहती है जो कि टॉप से एक मॉडल नीचे आएगी। साथ में अगर आपको मैं दोनों के फीचर्स दिखाना चाहूँ तो इसके अंदर आपको थोड़े से ऑरेंज कलर के एलिमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, वो आपको प्योर मैट ग्रे के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इसमें फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको GoZero की बैटरी मिलेगी, उसके अंदर आपको पैनासोनिक की बैटरी देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर आपको गियर्स नहीं मिलते, उसके अंदर आपको गियर वाला फीचर देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर आपकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 60 किलोमीटर की, उसके अंदर आपकी रेंज रहेगी 70 किलोमीटर की। दोनों जो है पैडल असिस्ट के साथ आते हैं। गियर की बात करोगे तो इसके अंदर नॉन गियर साइकिल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे 7-speed गियर देखने के लिए मिलेगा फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे। माइक्रोशिफ्ट इसके अंदर देखने के मिलता है, इसमें तो खैर गियर है ही नहीं। आगे पीछे दोनों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगी आपकी ब्रेकिंग पावर इंक्रीज करने के लिए। दोनों में ही रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं सेफ्टी को देखते हुए। स्पोक व्हील्स दोनों के अंदर आते हैं। टायर दोनों के अंदर 21 इंचेस का इंस्टॉल हो रखा है, और उसके अंदर थोड़ा सा जो ऑरेंज एलिमेंट है वो मेरे को देखने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट फिर वो टॉप से एक मॉडल नीचे आ जाती है आपकी, और ये आपकी साइकिल का टॉप मॉडल है। अब आपको इसके अंदर में सारी इसके अंदर जो इसका फ्रेम रहता है ये सारे साइकिल के अंदर आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। और ये वाला जो एरिया आता है ये हमारे जो ब्रेक पैड्स आते हैं जो बेस मॉडल में आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है तो उस चीज़ के लिए ये है क्योंकि फ्रेम सेम है, तो ये चीज़ इसके अंदर से रिमूव नहीं करी गई है। इसके अंदर एक आपकी एक एडिशनल एक्सेसरीज किट आती है जिसके अंदर आपको सामने की तरफ अपनी लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर आपके कनेक्ट होगी, जो कि आपकी LED लाइट आएगी। फ्रंट की एंड बैक की टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी। बैक साइड पर आपको एक कैरियर
देखने के लिए मिलेगा और एक सेट आपका मडगार्ड देखने के लिए मिलेगा जो कि आगे और पीछे की तरफ लगेगा। इसके अंदर क्या होगा कि आप जब अगर मड में ड्राइव कर रहे हो या फिर आपकी बारिश हो रही है आपके एरिया में, तो वहाँ पे आपकी जो सीट है वो गंदी नहीं होगी। सीट के कंफर्ट की बात करते हैं तो सीट का कंफर्ट आप देख पाओगे किस तरीके का, जैसा एक हमारी साइकिल के अंदर आता है सेम वो वाला कंफर्ट देखने के लिए मिलेगा। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि बैटरी कितनी है इसके अंदर। फुल में 1.0 यहाँ पे बैटरी दिख रही है, फुल इस तरफ है और एम्प्टी इस तरफ है। और इधर हमारा थ्रोटल देखने के लिए मिल जाता है। इधर हमारे ये गियर बताएगा कि गियर हमारे में कौन से हैं। अभी फिलहाल साइकिल चल नहीं रही है तो इसमें गियर चेंज नहीं कर सकते, इसको दोबारा वहीं कर देते हैं, क्योंकि जब साइकिल ड्राइव होगी उसी टाइम पे गियर चेंज होते हैं। गियर वाली साइकिल जिन पे पहले होगी उनको पता होगा। स्पीड आपका यहाँ आएगा, ऑडोमीटर यहाँ आएगा, मोड आपका ये बताएगा अभी इको पे चल रही है, और जैसे जैसे आप ऊपर करेंगे उस तरीके से दिखा देगा। और जितनी ज़्यादा आपको पैडल असिस्ट चाहिए उतने ज़्यादा आप इसको नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 6 तक का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। और इसको अगर मैं दिखाऊं कि थ्रोटल रिस्पांस कैसा आता है इसका, सो एक बार वो चीज़ आपको दिखाते हैं। इसका साइड स्टैंड के ऊपर ही थ्रोटल रिस्पांस जो है वो हमारा सारे गियर के अंदर और सारे के सारे जितने भी हमारे मोड्स हैं उसके अंदर वर्क करेंगे। सो अब आपको दिखाता हूँ। सो ये अपनी फुल स्पीड पे आ गई है। इसकी जो फुल स्पीड रहेगी वो रहेगी 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसके ऊपर जो आपको लाइसेंस चाहिए होता है ड्राइव करने के लिए। सो इसको दोबारा स्लो ऑन देते हैं और दोबारा ये चीज़ जो है रुक जाएगी यहाँ पे आके। पैडल शिफ्ट आपने स्टार्टिंग में देखा कि किस तरीके से पैडल असिस्ट आपका वर्क करता है। यहाँ पे मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ़ करने के लिए आपको मोड वाला बटन 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है, ये चीज़ आपकी ऑफ हो जाएगी। अगेन आप प्रेस करेंगे इसको 2 सेकंड्स तक तो ये चीज़ आपकी ऑन हो जाएगी। आगे पीछे दोनों ही टॉप मॉडल में आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। साथ में आपको इसके अंदर एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे आपका चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो अपनी बैटरी को ऑफ या फिर ऑन दोबारा गेन कर सकते हैं। साथ में आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बैटरी रहती है वो डिटैचेबल रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइकिल को हर बार घर के अंदर ले जाना ज़रूरी है। आप यहाँ से इसकी की लगा के बैटरी को निकाल के आप ले जा सकते हैं जहाँ पे भी आपको चार्ज करना है, चाहे आपका कॉलेज हो, ऑफिस हो या फिर आप स्कूल लेके जा रहे हैं। बाकी स्कूल में बात कर लेना कि चार्जिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे। इधर देखेंगे सो यहाँ पे आपकी बैटरी बताएगा कि बैटरी कितनी है इसके अंदर। सो यहाँ पे अगर मैं इसको दबाए रखता हूँ तो देख पाओगे कि अभी तक सारी आ रही है। जब ये रेड पे आ जाएगा तब आपका चार्ज करना इसका कंपलसरी हो जाता है, यानी कि तब आपने इसको चार्ज में लगाना है। इस तरफ देखते हैं तो सारी वायरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। वायरिंग सारी की सारी अच्छे से इंटैक्ट है। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे गो जीरो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी। मैट कलर का हमारा, मैट ग्रे कलर का पूरा फिनिश हो रखा है हमारे टॉप मॉडल पे, और बेस अपना टॉप से एक नीचे पे ब्लैक फिनिश है विद आपका ऑरेंज एलिमेंट्स। आपको बताइए फ्रंट साइड पे आपको डुअल शॉकर देखने के लिए मिलेंगे इसमें। बैक साइड पे आपको इसमें शॉकर देखने के लिए नहीं मिलते। एक बार ही शॉकर का जो काम है वो आपको दिखा देते हैं। और ये मैंने अभी रोड पे चलाई थी तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल। गो जीरो स्केलिक और स्केलिक प्रो के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। साइकिल को बाय करना है तो वहां से भी आप बुक कर सकते हैं, बिकॉज फिलहाल इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बिना मत जाना।